नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। साहित्य, संस्कृति और उद्योग की भूमि भागलपुर के पिछड़ेपन पर परिचर्चा को लेकर बुधवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभा 2025 मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिहार के पिछड़ेपन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए यहां की सरकार और नेताओं को जिम्मेदार बताया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हर तरह से समृद्ध रहे बिहार की दुर्दशा के लिए सभी लोग जवाबदेह हैं, जबकि केंद्र सरकार कई मोर्चे पर बेहतर काम कर सकारात्मक प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब बिहारी आगे हैं तो बिहार पीछे क्यों है, और इसके लिए सभी को मिलकर सकारात्मक प्रयास करना होगा। इससे पूर्व बहुउद्देशीय प्रशाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का भव्य स्वागत किया गया और करनी सेना की ओर से उनके समर्थन में जमकर नारे भी लगाए गए। मौके पर यशवंत सिंह, विनोद सम्राट, कमलेश सिंह, रजनीश कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र वसंत गोष्ठी को लेकर बुधवार को पटल बाबू रोड स्थित हरीश टावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मित्र वसंत गोष्ठी के स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने कहा कि होली को लेकर इस वर्ष 4 मार्च को मित्र वसंत गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और जिलों से प्रसिद्ध और मूर्धन्य कवि हिस्सा लेकर अपना काव्य पाठ करेंगे। जगदीश मिश्र ने कहा कि वर्ष 1961 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत भागलपुर में हुई, जिसके सूत्रधार कविवर गोपाल सिंह नेपाली थे और इसकी शुरुआत कविवर रमेश चंद्र मिश्र अंगार के द्वारा की गई थी। वहीं मित्र वसंत गोष्ठी के 60वीं प्रस्तुति को लेकर संस्था की ओर से पंडाल निर्माण समेत कई तरह की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए निःशुल्क प्रवेश पत्र की व्यवस्था है, जबकि महिलाओं को बिना प्रवेश पत्र के ही एंट्री दी जाएगी और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली लाल किला के प्रसिद्ध कवि सम्मेलन के बाद इतने लंबे समय तक आयोजित होने वाला यह देश में दूसरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, जिसमें बड़े बड़े कवि हिस्सा ले चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष जॉनी संथालिया, पवन कुमार बजाज, शिव कुमार केजरीवाल, अश्विनी जोशी, मोंटी रवि सर्राफ समेत कई लोग मौजूद थे। 60 वर्षों से चली आ रही साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की भागलपुर शाखा 60वीं प्रस्तुति मित्र वसंत गोष्ठी का आयोजन दिनांक 4 मार्च को स्थानीय मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में रात्रि 9 बजे से आयोजित किया गया है। उसी संदर्भ में आप सभी बंधुओं को आमंत्रित किया गया है कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा सके। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1961 में यह परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे देश के नामचीन कविवर गोपाल सिंह नेपाली एवं कविवर श्री रमेश चंद्र मिश्र अंगार ने इसकी नींव रखी। तब से लेकर अब तक निर्बाध गति से यह कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। यह भी हर्ष का विषय है कि हिंदुस्तान में लाल किले के बाद भागलपुर ही एक ऐसा मंच है जहां 60 वर्षों तक लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। बीते 24 फरवरी को सजौर थाना क्षेत्र में कैमरामैन से हुई लूटकांड की घटना का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसको लेकर डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शामिल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। डीएसपी ने कहा कि घटना की रात्रि 3 अपराधियों ने 2 कैमरामैन को रोककर हथियार का भय दिखाकर उसका कैमरा, मोबाइल और 17,500 रुपये लूट लिए थे। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई और सजौर थाना के एसएचओ की सक्रियता और वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से लूटकांड में शामिल 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंकित कुमार और पंकज यादव के रूप में हुई है, जबकि बदमाशों के पास से पुलिस ने देशी 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, बाइक और लूटा गया 2 मोबाइल बरामद किया गया है। सजौर थाना क्षेत्र में 24 तारीख को रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि 3 अज्ञात अपराधकर्मी, 2 कैमरामैन जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे लूट की घटना कारित की उनके ऊपर, और उसमें 2 कैमरा, 2 मोबाइल, ATM कार्ड और 17,500 रुपये जो है उनसे लूटा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है।
और एक का नाम है अंकित कुमार जिसको तिलकपुर से गिरफ्तार किया गया, और दूसरा पंकज यादव है। पंकज यादव के ऊपर अमरपुर में भी 302 का केस है इसके ऊपर, इसका आपराधिक इतिहास है। और बरामदगी जो है, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है, लूटा गया जो 2 मोबाइल है वादी का वो भी बरामद कर लिया गया है, देसी पिस्टल जिस जो प्रयोग किया गया था डराने के क्रम में वो भी बरामद कर लिया गया है, और एक जिंदा गोली जो है वो बरामद किया गया है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जयनगर गांव वार्ड संख्या 5 में विवाहिता के साथ एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जब युवक को पकड़ने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मामले में ग्रामीणों एवं युवक के चाचा वीरेंद्र मंडल का कहना है कि मंगलवार की दोपहर आरोपी युवक राजेश कुमार को पकड़ने पुलिस दलबल के साथ गांव पहुंची, जहां युवक के नहीं मिलने पर पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। वीरेंद्र मंडल ने बताया कि राजेश के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस उसके भाई जल्दू मंडल और भाभी बिंदु देवी को पकड़कर थाने लेकर चली गई, जबकि युवक राजेश मंडल के पकड़े जाने के बाद उन दोनों को छोड़ देने की बात कही गई। वही इसके बाद युवक राजेश मंडल थाना में हाजिर हुआ, लेकिन बावजूद इसके पुलिस द्वारा उनके भाई और भाभी को नहीं छोड़ा गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जो गुनहगार है उसे जेल भेजा जाए और जो बेकसूर है उसे छोड़ दिया जाए। वही इस मामले में थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। घर के ले गया ना उन लोग को, तो और मेरा घर से भी आदमी गया, वो तो बीमार थी 3 दिन से, लेकिन थाना में जब वहाँ देखा ना कि ये भी औरत है वहाँ मेला में, तो उसको बोला कि एक चमेटा मार दिया कि ये भी औरत थी, हमारा पत्नी को मार बैठा ना। और किसको मारा है? और मेरा यहाँ जो भाभी है उसको मतलब मारा है एक चमेटा। क्यों मारा, कारण? यही 2 चमेटा मारा, कहा है मारा वही जो लड़का लड़की का संबंध है उस कारण से, मतलब कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसकी माँ तो नहीं रखना चाह रही है? उसकी माँ नहीं रखना चाह रही है तो लड़की गलत है ना, उसकी वो चाह रही कि हम गाँव में रहे, लेकिन यहाँ उसको रहने के देगा? लड़की की माँ खुद कह रही कि मतलब ये ऐसा नहीं होगा। उसका पहले भी शादी हुआ? हाँ, पहले शादी हो चुका है। भागलपुर के पीरपैती थाना परिसर में होली और शवे बरात को लेकर शांति समिति की बैठक इंस्पेक्टर लाल बहादुर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में शांति समिति से जुड़े दोनों समुदाय के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्यौहार मनाने की बात कही गई, जिससे किसी तरह से कोई व्यवधान या समस्या उत्पन्न नहीं हो। वहीं त्यौहार के दौरान किसी प्रकार की अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात पुलिस ने कही, जबकि किसी प्रकार के संदेह होने पर उसकी त्वरित सूचना देने की भी बात पुलिस ने कही है। साथ ही पुलिस ने कहा कि DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और हुड़दंग मचाने वालों पर भी पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। मौके पर पुलिस पदाधिकारी अवधेश चौधरी, SI विक्रम कुमार, विवेकानंद गुप्ता, मुखिया पवन यादव, मोहम्मद मुंतशीर, मोहम्मद कमलेन सहित शांति समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।